जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप वर्तमान में किसी परेशानी या किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जीवन में, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, अपने प्रश्नों के जवाब आप पा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने पति के साथ भोजन करते हैं, तो आपको ये बातें जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें हैं जो बातें हम जाने अनजाने में हमें नहीं पता होती और वो गलती हम करते रहते हैं और उस वजह से हमें कई सारी परेशानियां, कई सारी तकलीफें उठाना पड़ती है। कई बार घर में तनातनी, तनाव का माहौल हो जाता है, कई बार पति पत्नी के बीच दूरियाँ हो जाती है, कई बार इस वजह को लेकर कई सारी परेशानियाँ, हम आर्थिक रूप से क्राइसिस झेलते हैं, व्यापार नहीं चल पाना, मतलब या बीमार रहना, मतलब इस तरह के कई सारी चीज़ें जो है हम इस छोटी सी वास्तु टिप्स को न मानकर या इस चीज़ को न जानकर गलती कर बैठते हैं। तो वो कौन सी बात है, इस वीडियो में हम उसी पर चर्चा करेंगे। वो बातों पर बात हम करें, चर्चा को थोड़ा सा आगे ले जाएं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, और भोलेनाथ का नाम कमेंट्स में आप जरूर लिखें, इस बहाने भोले का नाम ले पाएं। दोस्तों, एक बार फिर निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कोई परेशानी या तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली और मुख्य गलती जो हमें नहीं करना चाहिए, जब भी पति पत्नी भोजन करते हैं, उस समय सिर्फ पूरा जो हमारा फोकस है वो भोजन पर हो, न कि अन्य बातों पर। आमतौर पर ये चीज़ें देखी गई है कि महिलाएं या पुरुष उस समय वो कहीं और की, जो भी उनके बीच के मतभेद हो या कोई भी बात पर, खाने पर चर्चा होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर नियम ये है कि खाने वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। तो पहली और मुख्य बात। और दूसरी बात है कि उस समय होता क्या है कि हम कोई भी विवादित बात या कोई ऐसी बात हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि विवादित स्थितियाँ पैदा हों। उस समय हमें कोशिश करें कि हम भोजन पर फोकस करें, भोजन पर ध्यान दें, न कि अन्य बातों पर ध्यान दें। इससे होता यह है कि घर में दरिद्रता आती है। अगर खाते वक्त पति पत्नी के बीच तनावित माहौल होता है या तनाव का माहौल होता है या कोई लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े से मतलब है कि कुछ भी तनातनी थोड़ा बहुत हर परिवार में होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर यह खाते वक्त नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है कि दोनों को अपने जो भोजन है वो झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों साथ भोजन करते हैं और झूठा छोड़ते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। और इस वजह से कोशिश करें कि अपने बच्चों को, आप खुद, सब लोग खाना बिल्कुल झूठा ना छोड़ें। झूठा खाना, झूठा छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। तीसरी बात होती है कि हम जब भी भोजन करें, पति पत्नी दोनों जब भी करें, तो खाते वक्त पहले और बाद में दोनों वक्त ईश्वर का धन्यवाद जरूर दें। दोस्तों,